फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो आइए हम घर पे रखी कुछ अच्छी चीजों से एक सुंदर राखी बनाएं जो अपने भाई को हम बांधें। तो आइए हम देखते हैं कि हमें आज जो राखी बना रहे हैं उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आज जो हम राखी बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए एक रिबन, आप किसी भी कलर का ले सकते हो, एक पतला रिबन, सुई धागा, सजाने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर या कुछ भी, फेविकोल, सीजर और एक स्केल। हम कलरफुल रिबन को 6.5 सेंटीमीटर कट करेंगे और ऐसे ही हम 5 और स्ट्रिप कट करेंगे। अब हम हर एक स्ट्रिप को हाफ फोल्ड करके उसको सिल लेंगे। ऐसे ही सारे स्ट्रिप को हम एक एक करके सिल लेंगे। रखकर धागे को खींचते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे को बांधेंगे। इसी तरह से हम एक और फ्लावर बनाएंगे और इसको फेविकोल की मदद से एक के ऊपर ही पेस्ट कर देंगे। देखिए कितना सुंदर फ्लावर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम ये एक फ्लावर, इसे भी हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी अच्छे से सूख चुका है, अब इसे हम पतले रिबन पे भी ऐसे चिपका और अब इसे भी थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी अच्छे से सूख चुकी है, अब देखिए कितनी सुंदर राखी तैयार है। ये सुंदर राखी बनाने के बाद आइए हम एक और डिजाइन की नई राखी बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए रिबन, कलर, ईयरबड्स, फेविकोल, एक छोटा सा कटा हुआ पेपर, एक कांच का टुकड़ा, दो कलर के मोती और सीजर। सबसे पहले हम ईयरबड को कलरफुल रंगों से रंग देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पिंक लिया है, आप इसको इसमें डुबा के कलर कर लें ऐसे, और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से कर लें। और इसी तरीके से आप सारे ईयरबड को अलग अलग रंगों से कलर करके थोड़ी देर के लिए इसे रख दें सूख लेंगे। अब ये सूख चुके हैं, ऐसे ही हम बाकी अलग अलग रंगों में इसको कलर करके अब हम इसे कट करते हैं। ऐसे ही हम बाकी कट करके, काटने के बाद ही आपको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग रंगों के मिल जाएंगे। अब हम एक कागज के टुकड़े को सर्कल राउंड में काट, इस पर हम सबसे पहले एक कांच का टुकड़ा इसके बीचों बीच चिपका, इसके बाद इसके किनारे पे हम फिर से पेस्ट लगा के इसके हम मोतियों को चिपका। इसे हम एक सिल्वर एक गोल्डन, आप कोई भी कलरफुल ले सकते हैं,
सूखने के लिए छोड़ दिया। अब इसके सूखने के बाद हम इसके किनारों पे भी फेविकोल लगा के इस पर हम ये एयर को चिपका दें। अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है, अब हम इसे रिबन में चिपका देंगे। ये राखी की हमारी तैयार। अब ये बहुत ही सुंदर राखियों के बाद आइए हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल राखी जो दिखने में भी बहुत सुंदर है और आप बिल्कुल दो चीज़ों से बनी ईजी बन सकते। जो तीसरी राखी हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए चाहिए हमें ओम, जो आपको घर में बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा। एक छोटा पेपर, एक लेस जो आपको किसी भी दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, एक फेविकोल और सीजर। सबसे पहले हम पेपर पे फेविकोल लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम ये ऊन को अभी पीछे से पूरी तरीके से सूख चुका है, अब हम इसे पीछे पलट देंगे। ये लेस आप घर में पुराने कपड़ों में भी अगर आपके लेस है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम और फिर इसे इसके ऊपर अभी अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब इसकी हम साइड से दो स्ट्रिप निकाल के गूंथ लेंगे। ये सिंपल है, जैसे आप चोटी बनाते हैं वैसे ही इसको आप सिलेंगे। ये राखी भी कितनी सुंदर, सिंपल और बिल्कुल दो चीज़ों से बनाई हुई घर में। आज हमने घर पे ही तीन सुंदर राखियाँ घर की चीज़ों से बनाई हैं। आप भी बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।